पितृवेश्या महायोगे वेवच नमस्वाय सुधाये नित्यमेव नमो नमः अयोध्या मथुरा माया काशी कांति अवंतिका पुरा द्वारावती च वा सप्तेते मोक्षदायका अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अव्यया पुंडरीकाक्षा पितृतृप्ति प्रदोभवा पितृतृप्ति प्रदोभवा पितृतृप्ति प्रदोभवा। नमस्कार बंधुवर, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या का जो पुण्य काल होता है वो पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए और पितृ दोष का निवारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है और अमावस्या तिथि पर जो व्यक्ति कुतुब काल में, कुतुब काल कहते हैं मध्यान्ह काल, 11 बजे के बाद से लेकर के और 1 बजे के बीच का जो समय होता है मध्यान्ह का, वो कुतुब काल बड़ा महत्वपूर्ण समय माना जाता है पितरों के निमित्त। उसमें आप दान इत्यादि और पितृ संबंधी कार्य कर सकते हैं। तो पितृ संबंधी कोई भी दोष हो उस दोष का निवारण करने के लिए अमावस्या तिथि पर पितरों को जो है पिंडदान किया जाता है, उनको तर्पण किया जाता है और पितरों के निमित्त अन्न का दान, वस्त्र का दान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि और पितृ यज्ञ भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पितर हैं, पितर से तात्पर्य क्या है, हमारी माता अगर माता है तो दादी बूढ़ी दादी, पिता अगर पिता है तो दादा बूढ़े दादा, नाना बूढ़े नाना, पर नाना, सास ससुर आदि, ये सब पितरों की श्रेणी में आते हैं। और केवल पितर हमारे अपने वंश के ही नहीं बल्कि देवताओं में भी हमारे पितर हैं, ऋषियों में भी हमारे पितर हैं और जो दिव्य मनुष्य हैं उनमें भी हमारे पितर होते हैं और उन सभी को हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं जलांजलि दे करके, पिंड दान के द्वारा, अन्न दान के द्वारा और इस प्रकार के जो 10 प्रकार के दान शास्त्रों में बताए हैं, जिसमें कि वस्त्र दान होता है, अन्न दान होता है, आपका ये पृथ्वी दान की जगह हम लोग चंदन रखते हैं उसका निष्क्रिय द्रव्य, और ये आपका जो स्वर्ण दान हो गया, गुड़ दान और नमक का लवण दान, घृत दान और इसी प्रकार से गौ निष्क्रिय द्रव्य दान की जगह गाय की एक प्रतिमा चांदी की बना करके, इस तरह से 10 तरह का दान जो है पितरों को तृप्त करता है और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यदि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अधोगति चला गया या किसी की अनटाइमली डेथ हो गई, दुर्मरण हो गया, कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई या ऐसी जो है अपमृत्यु जैसे जिसे कहते हैं, इस तरह की कोई घटना घट गई हो और उसके निमित्त अगर शास्त्रोक्त विधान हमने नहीं किया, जैसे कि शास्त्रों में विधान बताए हुए हैं कि अगर किसी का दुर्मरण होता है या अपमृत्यु होती है तो उसके लिए नारायण बलि का पूजन होता है 11वें दिन, वो नहीं लोग करा पाते हैं, गायत्री पुरुषण की प्रक्रिया की जाती है उसे लोग नहीं कर पाते हैं, श्रीमद् भागवत पारायण कराया जाता है साल भर में, जो वार्षिकी होती है एक उदिष्ट जिस दिन होता है तो उस समय कराया जाता है, वो लोग उससे भी वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार गया श्राद्ध में, गया में जाके पिंड दान इत्यादि किए जाते हैं, उससे भी लोग वंचित रहते हैं। तो यदि आप ये सब नहीं कर पाए तो उसके अलावा एक सरल और सूक्ष्म विधि है और कारगर विधि है, उसमें आप उन पितरों की आप जो है प्रतिमा बना सकते हैं, मेल और फीमेल चांदी की, जैसे एक प्रतिमा बनाई, एक मेल की एक फीमेल की प्रतिमा बनाई है, उन प्रतिमाओं पर पूजन करके उन पितरों का आह्वान करें कि जो पितर इस तरह के दुर्मरण में या जिनको अभी गति प्राप्त नहीं हुई है या जो अभी भी जो है उत्तम योनि की तलाश में है और शरीर उनको नहीं मिला है और परेशानी में है, कष्ट में है, तो उनको मैं इस प्रतिमा में उनका आह्वान करता हूँ, उनकी प्रतिष्ठा करता हूँ, उनके निमित्त फिर आप जो है पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पूजन करते हैं और उसके बाद नारायण शिला जो हरिद्वार के अंदर है, एक तीर्थ माना जाता है पितरों का, तो नारायण शिला में भगवान विष्णु के चरणों में उनको समर्पित कर देते हैं। या गया में जाके भी समर्पित किया जा सकता है, बद्रीनाथ में जाकर भी समर्पित किया जा सकता है और दूसरे जो राज्य है उनके यहाँ पर भी हर एक जगह पे, जैसे कुरुक्षेत्र है या अन्य दूसरी जगहों पर भी पितृतीर्थ बने हुए हैं, तो उन पितृतीर्थों में जो है उन पितृ प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और वहां पर भी जा करके हम लोग अन्न दान, वस्त्र दान वगैरह करके, पितरों के निमित्त भोजन वगैरह करा करके और अपने पितरों से जो है क्षमा याचना मांगते हुए उनको एक मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको एक दिशा प्रदान करते हैं, उत्तम गति प्रदान करते हैं और उत्तम गति प्रदान करने वाले देवता भगवान विष्णु है, नारायण है। तो शालिग्राम पूजा के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, शालिग्राम जी के
माध्यम से और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके पितरों की सदगति, सदकामना और सदलोक की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। तो अब जो विशेष जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो पिंड है ये किस तरह से करने हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा जो हाथ है इसमें सारे तीर्थ मौजूद हैं। ये ऊपर आपका देव तीर्थ है, यहाँ पे आपका जो है अग्नि तीर्थ है सेंटर में, और ये आपका प्रजापति तीर्थ है लिटिल फिंगर के नीचे वाला हिस्सा, और ये अंगूठे वाला हिस्सा आपका पितृ तीर्थ है, ये आपका जो कलाई के पास है ब्रह्म तीर्थ है। तो आप जब पिंड देंगे तो आप पितृ तीर्थ से यानी अंगूठा और तर्जनी अंगुली का जो मध्य भाग है यहाँ से जो है पितरों को पिंड दिया जाता है, और यहीं से पितरों को जल भी दिया जाता है। तो इस भाग से जो पिंड और जल जाएगा वो पितरों को प्राप्त होगा। देवस्थान वाला देवताओं को, प्रजापति दिव्य मनुष्यों के लिए ब्रह्म तीर्थ से आप आचमन करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, और इसमें भात जो होता है चावल का पिंड बनाए जाते हैं, और इन पिंडों को एक एक करके आप अपने पितरों का, सबसे पहले आप हाथ में तिल लेकर के और अपने पितरों का आह्वान करेंगे कि ओम देवताभ्याय पितृभ्यश्च महायज्ञवचः नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। हे दिव्य पितरों, और जो भी पितर जो अधोगति में उनको भी मैं यहाँ पर आह्वान करता हूँ इस प्रतिमा में, ऐसे करके तिल छोड़ दीजिएगा। तिल छोड़ करके इस पर हल्दी का छिड़का लगा दीजिए, गंध अक्ष धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि इस प्रकार से उसका पूजन कर दीजिए, और उसके बाद जो है हाँ जी हाँ इसमें तिलक कर दीजिए प्रतिमाओं पे। गंध अक्ष धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार से जो है पिंडों को, पिंड प्रति ये जो पितृ प्रतिमा है इसको पूजा जाता है, और इसमें उन पितरों का आह्वान किया जाता है जो अधोगति में है, दुर्मरण हुआ है, अपमृत्यु में गए हैं, तो वो सबको मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। उसके बाद कुशा जो है इन स्थानों पर डाल दी जाती है। यहाँ पर हमने सात दोने रखे हैं, सातों दोनों में कुशा डाल दी है। कुशोसी कुश पुत्रो सी ब्रह्मणा निर्मित पुरा त्वयर चिते अर्जितम सोस्तु यस्याहम नाम कीर्तये। तो ये इनका स्थान है, कुशा के ऊपर जो है पिंड दिए जाते हैं। अब आप पुष्प लेकर के और जो है अपने पितरों को नमस्कार करेंगे। आ ब्रह्मणे ये पितृ वंश जाता मातु तथा वंश भवा मदीय वंश द्वये ये मम दास भूता भृत्यास्तथे वा श्रित सेवकाश्च मित्राणि शिष्य पशुवश्च वृक्ष दृष्टास स्पृष्ट कृतोपकार जन्मांतरे ये मम संगताश्च तेषां सुधा पिंडमहं ददामि। कि मैं मातृकुल पितृकुल के या जो आपके मित्र रहे हो सगे संबंधी और ऐसे भी रहे हो तो उन सभी के निमित्त आप जो है पिंड दान जो है की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ये पुष्प जो है इन दोनों में छोड़ देंगे थोड़े थोड़े करके। उसके बाद जो है एक पिंड हाथ में लेंगे प्रथम पिंड, और ये जो पिंड होता है ये देवताओं के निमित्त होता है क्योंकि देवता भी हमारे पितृ होते हैं। तो एक पिंड इनके हाथ में दीजिए। ओम उदीरता मवर परस उन मध्यमा पितर सोम्यास असुम ये वंतु पितरो हवे प्रथम पिंड देवताओं के निमित्त ऐसे करके देवताओं के लिए ऐसे दिया जाता है। ये इस यहाँ से आप इधर डाल दीजिएगा इस दोनों में। तो ये देव तीर्थ है हमारा। हाँ जी बिल्कुल ये देव तीर्थ से आपने पिंड दे दिया। दूसरा पिंड जो है ऋषियों के लिए देंगे। एक पिंड हाथ में लीजिए। ओम अंगी रसो न पितरो न भगवा अथर्वाणु भृगव सोम्यास तेषां वयवं सुमतु यजिया नामसि भद्रे सो मनसे श्यामः। ऋषियों के लिए पिंड है, ऋषि भी हमारे पितर है तो देव तीर्थ से ही यहाँ पर एक पिंड छोड़ देंगे। तीसरा पिंड जो है दिव्य मानवों के लिए है। ओम आयन्तु नः पितरः सोम्यासुः अग्निकपाताः पतिभिर्देवयानिः अस्मिन् यजे स्वदया मदन्तु अधिब्रुवन्तु ते बन्तु स्मान्नः प्रजापति तीर्थ से। और इस प्रकार से यहाँ से इसको गिरा करके और यहाँ डाल दीजिएगा। चौथा पिंड जो है दिव्य पितरों के लिए है। ओम ऊर्जम वहन तेर अमृतम घृतम पय टीलालम परिश्रुतम स्वदास्त तर्पयत मे पितृन्न। ये जो है पितृ तीर्थ से अंगूठे वाले हिस्से से यहाँ डाल दीजिएगा ऐसे करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके ऐसे गिरा दीजिएगा। उसके बाद जो पांचवा पिंड है यम, ये दस यम है और ये यम भी जो हमारे पितर माने गए हैं। ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः परपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरौ मे मदन्त पितरौ ते त्रिपन्त पितरः पितरः शुन्धद्वम्। इस प्रकार से यहीं से डाल दीजिए। और जो मनुष्यादि
हमारे उसमें हुए हैं, उनके लिए जो भी आपके दादा दादी और इस तरह के परिवार के जो सदस्य हैं जो अब नहीं है आपके बीच में, तो उनके लिए एक मिनट देंगे। ओम एचे पितरो एचने हयाश विद्मयाम उचन प्रविदम तम वेत यति ते जात वेद स्वतः गृजग्वं सुकृतं जुकश्वः। यहाँ पर डाल दीजिए इससे पितृदेव से इधर इस साइड से ऐसे डालिए ऐसे। अब सातवां पिंड जो है उन मृतात्माओं के निमित्त है कि जो अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरः शोषाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरः स्वधाय नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरः पितरो नमो वो गृहन्नः पितरो दत्सतो वह पितरो देक्मे तद्वः पितरो वास आधत। फिर एक जो यहाँ पर डाल देंगे इसी प्रकार से इधर से अंगूठे के साइड से ऐसे करके ऐसे करके। ओम मध्य गर्भ गोत्र अस्मत जो भी है आपके पितर जो है उनका नाम भी आप मन में ले सकते हैं। अक्षय तृप्त्यर्थम इदम पिंडम तस्मे स्वदा है कि नहीं। इसमें थोड़ा जल के छींटे लगा देंगे और फिर दूध के छींटे लगाएंगे सभी पिंडों में। ओम पयः प्रदेव्याम पयो गधी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रतिशः संतुमयम मम दुग्धम दुग्धम दुग्धम। थोड़ा थोड़ा दूध डाल दीजिए सभी जगह। त्रिपध्वम 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 महा। इसको ऐसे पकड़ करके छोड़िए थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके सम्मिलित ये हो गया आपका। फिर दही दो उनके हाथ में। अब दही ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा दही ऐसी तरह से। ओम दधि क्रावण अकार विष्णु रश्मिनो वादिन सुरभिना मुखा कृत प्रण आयुगं कितारिकत। ओम दधि 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 त्रिपध्वम 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 महा। सभी में डाल दिया। उसके बाद जो इनके हाथ में शहद दीजिए मधु और थोड़ा थोड़ा मधु सभी में डाल देंगे। आगे भी इधर थोड़ा मधु दे दीजिए। ओम मधुवातरिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोखधीः मधुन समुत खसो मधु मत्पार्थिवग्वङ्रजः मधुद्यौरसुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् असुसूर्जः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। थोड़ा सेट डालिए सभी में थोड़ा थोड़ा। ओम मधु 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 त्रिपध्वम 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 महाम। और इस प्रकार से आपने पिंड अर्पण किए उस पर ले लीजिए हाथ में। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगे विवचा नमः स्वाहे सुधाये नित्यम एव नमो नमः। एक एक फूल डाल दीजिए सभी में। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगे विवचा नमः स्वाहे सुधाये नित्यम एव नमो नमः। अयोधा मतरा माया काशी कांत्यविंतिका पुरा द्वारावती चैवा सप्त ते मोक्षदायका अनादिनिधनो देवा संघ चक्र गदाद्रः अव्यया पुण्डरीकाक्षा पितृतृप्ति प्रदुभवः पितृतृप्ति प्रदुभवः। गन्धाक्षतपत्र पुष्पं समर्पयामि। और इस प्रकार हाथ जोड़ करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए मैं अपने पितरों को उनके हाथ में पुष्प दे दीजिए और मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनकी सदगति के लिए उनकी मुक्ति के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको उत्तम गति प्रदान करें। और उन पितरों के निमित्त में ये जो है 10 दान की सामग्री ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। इसमें भी फूल छोड़ दीजिएगा। ये जो है 10 दान सामग्री इसमें भी थोड़ा पुष्प डाल दीजिए और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी तिल वगैरह डाल दीजिए। तो इस प्रकार से पितरों के निमित्त पिंड दान किया गया और 10 दान किया गया। इससे पितर बहुत तृप्त होते हैं और अमावस्या पर विशेष करके इस तरह की जो क्रिया की जाती है ये पितरों को अनुकूलता प्रदान करती है उनको प्रसन्नता प्रदान करती है। और जब पितर हमारे अदृश्य सहायक हैं जब उनके निमित्त ये कर्म किए जाते हैं उनके प्रति जब हमारी श्रद्धा प्रकट होती है तो वो हमारे सहायक बन के खड़े हो जाते हैं और हर कष्ट में हर परेशानी में अदृश्य रूप से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये क्रिया लुप्त ना हो ये क्रिया हमारे सनातन परंपरा में बनी रहे ऐसा हमारा निवेदन है। धन्यवाद।